नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे दरभंगा। मैं संतोष झा। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा में पहली बार दवाइयों पर 13% की छूट, फ्री होम डिलीवरी के साथ। जनसेवा फार्मा, मूसा शाह सिटी सेंटर, टावर चौक, दरभंगा। आज ही करें कॉल। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको ट्रस्ट FI, यानी TFI, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा, रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार, फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5 उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विद 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अलगपट्टी, नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग, साड़ीज, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, सूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। दरभंगा में कहर बनकर टूट रहा कोरोना, दर्जन भर से अधिक की एक दिन में गई जान, शव जलाने के लिए लग रही वेटिंग। बिहार में बेकाबू हुआ कोरोना, एक दिन में मिले 12,795 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 87,154 पर पहुंचा। दरभंगा ही नहीं, मधुबनी और समस्तीपुर में भी कोरोना का कोहराम, टूट रहे रिकॉर्ड। COVID-19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेकर हुई बैठक, आवश्यक दवाओं की कीमतों पर निगरानी रखने के निर्देश। कोरोना को लेकर DM ने की ऑनलाइन बैठक, दिए कई निर्देश। चयनित पाराविधिक स्वयंसेवकों की सूची हुई जारी, जन प्रतिनिधियों के साथ DM ने की वर्चुअल मीटिंग। चयनित पैनल अधिवक्ताओं की सूची की गई जारी, और मिलिए मिथिला की बेटी श्रद्धा से, जिसने आपदा को बनाया अवसर। और समाचार विस्तार के साथ। दरभंगा में कहर बनकर टूट रहा कोरोना, दर्जन भर से अधिक की एक दिन में गई जान, शव जलाने के लिए लग रही लंबी कतार। चेतिए, खुद भी समझिए और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह दीजिए। एक पत्रकार के रूप में खबरों को संकलित करते हुए एक बार हम भी ठिटक जाते हैं, इसलिए सावधानी बरतिए। शनिवार का दिन दरभंगा के लिए कहर बनकर टूटा, कोरोना ने एक दर्जन से अधिक लोगों की जिंदगियां लील ली। कई दूसरे जिलों के निवासी थे। दरभंगा में शाम तक 7 शवों की अंत्येष्टि के लिए कतार लगी थी। इनमें 2 शव ऐसे भी थे जिनके परिजनों ने अस्पताल में ही शव छोड़ दिया। एक शव के साथ तो मात्र मुखाग्नि देने के लिए एक बच्चा मौजूद था। एक शव के साथ 3 लोग आए, PPE किट भी पहना, लेकिन दाह संस्कार स्थल से 50 मीटर दूर से ही चले गए। प्रशासन, निगम एवं कबीर सेवा संस्थान के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने सुरक्षा मानक अपनाकर विधि पूर्वक अंत्येष्टि देर रात संपन्न की। प्रशासन और निगम की ओर से राशिद परवेज, नागमणि सिंह, दीपक, रंजीत, कबीर सेवा संस्थान की ओर से पत्रकार और समाजसेवी नवीन सिन्हा, सुरेंद्र महतो, मोहम्मद उमर, भोला गुप्ता, खलीकुज्जमा इत्यादि मौजूद रहे। चूंकि सब स्थल पर पूर्व से अधिकतम 6 शवों का ही प्लेटफार्म है, जिसमें एक दिन पूर्व जलाए गए 2 शवों की चिता की राख थी, किसी तरह मैनुअल पद्धति से निकालकर उसे देर रात तैयार किया गया। इस तरह एक शव को लौटाना भी पड़ा, जिसकी आज अंत्येष्टि हो रही है। एक साथ 6 शवों को रख देर रात विधि पूर्वक अंत्येष्टि की गई। इसी दौरान कोरोना वार्ड में देर रात्रि एक मुस्लिम संक्रमित ने भी दम तोड़ दिया, जिसके मिट्टी भी परिवार के लोगों के सहयोग से कब्रिस्तान में सुरक्षा मानक अपनाकर देर रात की गई। श्मशान घाट पर शव अंत्येष्टि स्थल तक एम्बुलेंस पहुंचने हेतु संस्थान ने रास्ता निर्माण की मांग 14 अप्रैल को ही की थी।
जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन के निर्देश पर युद्ध स्तर पर एक दिन में एक ओर का पहुंच पथ तो बना दिया गया, लेकिन दूसरा अप्रोच पथ बनाने में निगम ने देर लगा दी, जिसका खामियाजा इन आधा दर्जन शवों को ले जाने से संबंधित लोगों को भुगतना पड़ा और 3 घंटे तक स्ट्रेचर से एम्बुलेंस से शवदाह गृह तक शव ढोना पड़ा। एक साथ 6 कोरोना शवों की अंत्येष्टि, हृदय विदारक यह तस्वीर। लोग कोरोना के कहर को अब भी नहीं समझ रहे। कोरोना को मजाक बनाने वाले लोग, कोरोना पर छींटाकसी करने वाले लोग समझ लें कि जिस दिन इसने उन्हें पकड़ा तो फिर उनको याद आ जाएगा छठी का दूध, या फिर उनके किसी रिश्तेदार जानने वालों को इस कोरोना ने पकड़ा और उसके इलाज के लिए उन्हें भटकना पड़ा, तो फिर सारा मजाक धरा का धरा रह जाएगा, उल्टा पड़ जाएगा सारा मजाक। कोरोना के कहर को समझें, कोरोना के कोहराम को समझें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, दूसरों के लिए मजाक न बनाएं कोरोना को, खुद के लिए रखें सबक के रूप में। बिहार में बेकाबू है कोरोना, एक दिन में मिले 12,795 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 87,154। बिहार में आज भी बेकाबू कोरोना, रफ्तार हुई ज्यादा, ब्रेक फेल, 12,795 नए मरीज। बिहार में आज भी कोरोना के 12,795 नए मरीज मिलने के साथ ही कोरोना के आंकड़े ने जबरदस्त छलांग लगाई है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 4,03,008 पर पहुंच गई है। टोटल एक्टिव केस 87,154 बताए गए हैं। सबसे अधिक पटना में 1,848, अररिया में 111, अरवल में 132, औरंगाबाद में 682, बांका में 126, बेगूसराय में 525, भागलपुर में 681, भोजपुर में 140, बक्सर में 165, दरभंगा में 150, पूर्वी चंपारण में 266, गया में 1,340, गोपालगंज में 63, जमुई में 177, जहानाबाद में 373, कैमूर में 109, कटिहार में 143, खगड़िया में 221, किशनगंज में 112, लखीसराय में 150, मधेपुरा में 207, मधुबनी में 314, मुंगेर में 250, मुजफ्फरपुर में 472, नालंदा में 226, नवादा में 222, पूर्णिया में 397, रोहतास में 229, सहरसा में 252, समस्तीपुर में 438, सारण में 707, शेखपुरा में 35, शिवहर में 62, सीतामढ़ी में 134, सीवान में 270, सुपौल में 286, वैशाली में 384, पश्चिम चंपारण में 347 और दूसरे राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 49 रही। दरभंगा समेत मधुबनी और समस्तीपुर में कोरोना का कोहराम, टूट रहे हैं रिकॉर्ड। दरभंगा में तो कोरोना ने अपना कल का आंकड़ा तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया ही। मिथिला के 2 अन्य महत्वपूर्ण जिले समस्तीपुर और मधुबनी में भी दरभंगा के साथ कोरोना ने अपनी बड़ी धमक, बड़ी दस्तक दर्ज कराई है। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त कोरोना को लेकर है। आज एक दिन में पूरे बिहार में जहां 12,795 नए मरीज मिले हैं कोरोना के, 12,795 कोविड नए पॉजिटिव मरीजों के साथ ही बिहार में आज अपनी धमक कोरोना ने बढ़ाई है। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में 150 नए मरीज मिले हैं, जबकि समस्तीपुर की बात करें, दरभंगा के बिल्कुल सटे हुए जिले समस्तीपुर में आज एक दिन में 438 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं कोरोना के। और लगे हाथ दरभंगा के इस तरफ के जिले मधुबनी की बात करें तो यहाँ 314 नए कोरोना मरीज मिले हैं, यानी 3 जगहों पर दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में एक दिन में 902 मरीज मिले हैं। इनमें दरभंगा में 150, मधुबनी में 314 और सबसे अधिक समस्तीपुर में 438 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। लगातार अपना पिछला रिकॉर्ड ही तोड़ रहा है कोरोना और हर दिन बना रहा है नया रिकॉर्ड। लगातार आपको समझने की ज़रूरत है कोरोना के आंकड़े को, कि किस तरह से कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। इसका ब्रेक मानो फेल हो, कोरोना मान लो बेकाबू हो बिहार में, पूरे देश के साथ बिहार के दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जैसे जिलों में कोरोना बेकाबू होकर तेजी से फैल रहा है। आप समझिए कोरोना के कहर को, बातें समझिए जो लोग बता रहे हैं, जो तस्वीरें अस्पताल से आ रही हैं उन पर गौर करिए, विशेषज्ञों की राय मानिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, हर हाल में मास्क लगाइए और सैनिटाइजेशन का रखिए पूरा ख्याल, क्योंकि कोरोना कुछ भी देखकर नहीं आता, किसी को भी हो सकता है।
कोविड 19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेकर हुई बैठक, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर निगरानी रखने के निर्देश। कोविड 19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेकर हुई बैठक, आवश्यक दवाओं की कीमतों पर निगरानी रखने का निर्देश। दरभंगा समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम एवं व्यवस्थित इलाज के लिए सरकार द्वारा जारी कोविड 19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने को लेकर सिविल सर्जन दरभंगा, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सहायक औषधि नियंत्रक एवं औषधि निरीक्षकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोविड 19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कोविड 19 के माइल्ड मामले में होम आइसोलेशन के लिए तथा मॉडरेट एवं सीवियर मामलों में आवश्यक दवाओं की सूची जारी की गई है। उन दवाओं की उपलब्धता में कोई कमी नहीं हो, इस पर निगरानी एवं अनुश्रवण करने का निर्देश सहायक औषधि नियंत्रक दरभंगा को दिया गया। कोविड 19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में बताया गया है कि जब SpO2 94% से कम रहेगा तो उसे माइल्ड केस 90-94% के बीच रहेगा तो उसे मॉडरेट केस, और जब SpO2 90% से कम हो जाएगा तो उसे सीवियर यानी गंभीर मामला माना जाएगा। तीनों मामले में अलग अलग दवाओं की सूची जारी की गई है। जैसे होम आइसोलेशन के मामले में 12 वर्ष से नीचे के बच्चे तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को छोड़कर वयस्क के लिए पारासीटामोल 500 mg 20 टैबलेट, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg 10 टैबलेट, बी कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग विटामिन B12 10 टैबलेट, विटामिन सी 500 mg 20 टैबलेट एवं जिंक 50 mg 10 टैबलेट तथा 12 वर्ष से नीचे के बच्चे एवं गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए पारासीटामोल 500 mg 20 टैबलेट, अजिथ्रोमाइसिन 500 mg 5 टैबलेट, बी कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग विटामिन B12 10 टैबलेट, विटामिन सी 500 mg 20 टैबलेट एवं जिंक 50 mg 10 टैबलेट दिया जाना है। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड 19 कोरोना के मॉडरेट एवं सीवियर मामले में अलग अलग दवाएं अधिसूचित की गई हैं। सीवियर मामले में आवश्यक दवा रेमडेसिविर का आवंटन DMCH एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों द्वारा स्वास्थ्य विभाग बिहार के गूगल सीट पर मांग इलाजरत मरीजों की संख्या के आधार पर स्वयं अस्पतालों द्वारा की जाएगी। मांग के अनुरूप प्रतिदिन राज्य स्तर से दवा उपलब्ध कराई जाएगी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगड़ूसेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग। साड़ीज, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, सूटिंग, सेटिंग और मेंस वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ नाका 5 के निकट उमा सिनेमा के सामने दरभंगा, और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, JEE मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSC KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। अब टॉप कॉलेजेस में एडमिशन की चिंता नहीं, रेडिएंट एजुकेशन ने की राह आसान। इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, लॉ, BBA, BCA, MCA, BHMS, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, MBBS, डेंटल, BAMS, BA, DLED में एडमिशन के लिए संपर्क करें। पता है भैरोपट्टी चौक, सुधा मेडिकल हॉल, दरभंगा, या फिर दिए गए नंबरों पर करें कॉल। ये एक कंसल्टेंसी है जिसके माध्यम से हम लोग इंजीनियरिंग, MBA, BBA, BCA, नर्सिंग, फार्मेसी इंडिया के टॉप कॉलेजेस में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में कहर बनकर टूट रहा कोरोना, दर्जन भर से अधिक की एक दिन में गई जान, शव जलाने के लिए लग रही वेटिंग। बिहार में बेकाबू हुआ कोरोना, एक दिन में मिले 12,795 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 87,154 पर पहुंचा। दरभंगा ही नहीं, मधुबनी और समस्तीपुर में भी कोरोना का कोहराम, टूट रहे रिकॉर्ड। कोविड 19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेकर हुई बैठक, आवश्यक दवाओं की कीमतों पर निगरानी रखने के निर्देश। कोरोना को लेकर DM ने की ऑनलाइन बैठक, दिए कई निर्देश। चयनित पाराविधिक स्वयंसेवकों की सूची हुई जारी। जन प्रतिनिधियों के साथ DM ने की वर्चुअल मीटिंग। चयनित पैनल अधिवक्ताओं की सूची की गई जारी। और मिलिए मिथिला की बेटी श्रद्धा से, जिसने आपदा को बनाया अवसर। कोरोना को लेकर DM ने की ऑनलाइन बैठक, दिए कई निर्देश।
कोरोना को लेकर डीएम ने की ऑनलाइन बैठक, दिए कई निर्देश। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ से कोरोना के लिए जारी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का अनुपालन करने को लेकर सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अतिरिक्त एम्बुलेंस रख लेने के सख्त निर्देश दिए और कहा कि यदि कहीं से भी एम्बुलेंस की मांग की जाती है और कोरोना मरीज को ससमय एम्बुलेंस नहीं मिलता है तो संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं बीएचएम संयुक्त रूप से जिम्मेवार माने जाएंगे और एम्बुलेंस न मिलने के कारण यदि किसी रोगी की मृत्यु होती है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चयनित पारा विधिक स्वयंसेवकों की सूची हुई जारी। चयनित पाराविधिक स्वयंसेवकों की सूची हुई जारी। व्यवहार न्यायालय दरभंगा द्वारा अपने वेबसाइट पर चयनित पाराविधिक स्वयंसेवकों की सूची अपलोड कर जारी कर दी गई है। चयन प्रक्रिया में शामिल होने वाले पाराविधिक स्वयंसेवक अपने चयन होने की जानकारी व्यवहार न्यायालय दरभंगा के उपरोक्त वेबसाइट से ले सकते हैं। सदर अनुमंडल दरभंगा के 100 पाराविधिक स्वयंसेवकों का चयन किया गया है। चयन समिति द्वारा न्यूनतम 4.3 अंक तक प्राप्त करने वाले स्वयंसेवकों का चयन किया गया है, जिनमें इंद्रजीत कुमार ने सर्वाधिक 8.3 अंक प्राप्त किया है। बेनीपुर अनुमंडल के 50 एवं बिरौल अनुमंडल के 50 पाराविधिक स्वयंसेवकों का चयन किया गया है। बेनीपुर अनुमंडल के चयनित पाराविधिक स्वयंसेवकों का न्यूनतम अंक 2.6 एवं अधिकतम 7.6 रहा। वहीं बिरौल अनुमंडल के चयनित 50 पाराविधिक स्वयंसेवकों में न्यूनतम अंक 4.3 एवं अधिकतम 7.6 रहा। जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी ने की वर्चुअल मीटिंग। जनप्रतिनिधियों के साथ डीएम ने की वर्चुअल मीटिंग। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने दरभंगा के जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम तथा कोरोना के मरीजों के लिए किए गए इलाज की व्यवस्था और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के संबंध में जारी किए गए आदेश से अवगत कराते हुए बताया गया कि वर्तमान में दरभंगा जिले में ऑक्सीजन गैस के 3 आपूर्तिकर्ता एजेंसी कार्यरत हैं तथा दरभंगा जिले में डीएमसीएच एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को निरंतर ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति हो रही है। सरकार के द्वारा कोरोना मरीजों के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है। डीएमसीएच तथा सभी प्रखंडों में आवश्यक दवा उपलब्ध कराई जा रही है। इलाजरत मरीजों को बाहर से दवा नहीं लेनी है। सरकार ने निर्देश दिया है कि इलाजरत मरीजों का पैथोलॉजी जांच, एक्सरे, सीटी स्कैन की व्यवस्था हॉस्पिटल करेगा। यदि जांच बाहर से करानी है तो हॉस्पिटल ही कराएगा, भुगतान भी हॉस्पिटल ही करेगा। यह व्यवस्था 24 अप्रैल से प्रारंभ हो गई है। जिले में प्रतिदिन 2.5 से 3,000 तक कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। आरटीपीसीआर जांच के लिए जिले का कोटा 1200 निर्धारित है। निर्देश अनुसार 70% आरटीपीसीआर एवं 30% एंटीजन टेस्ट करना है, लेकिन दरभंगा में निर्धारित लक्ष्य से अधिक जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि दरभंगा का कोविड पॉजिटिविटी रेट 2.23% है, जो पिछले माह 1% था, लेकिन अभी भी अन्य जिलों की तुलना में यह दर कम है। उन्होंने कहा कि मास्क के प्रयोग के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू को लागू कराया जा रहा है, शादी विवाह एवं श्राद्ध के लिए निर्धारित अधिकतम संख्या का अनुपालन विवाह भवन एवं मैरिज हॉल के द्वारा करवाया जा रहा है, शहरी क्षेत्र एवं प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सप्ताह में 3 दिन बंद कराई गई हैं, निजी हॉस्पिटल में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, दवा स्टॉकिस्ट के साथ बैठक की गई है, सहायक औषधि नियंत्रण को दवा की दुकानों की निगरानी करते रहने का निर्देश दिया गया है ताकि कहीं भी दवा की कीमत अधिक न ली जा सके। लोगों में जागरूकता लाने के लिए व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में कचरा उठाव करने वाली गाड़ी से, थाना की पेट्रोलिंग गाड़ी से प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। गाँव में भी प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी का टीकाकरण कराया जाएगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फिर लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres एनवायरमेंट फ्रेंडली कैंपस, ऑल क्लासरूम्स आर एज पर सीबीएसई नॉर्म्स, नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। मार्बल वर्ल्ड सैद नगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरिया सराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा, सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज, थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में कहर बनकर टूट रहा कोरोना, दर्जन भर से अधिक की एक दिन में गई जान, शव जलाने के लिए लग रही वेटिंग। बिहार में बेकाबू हुआ कोरोना, एक दिन में मिले 12,795 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 87,154 पर पहुंचा।
दरभंगा ही नहीं मधुबनी और समस्तीपुर में भी कोरोना का कोहराम, टूट रहे रिकॉर्ड। कोविड 19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेकर हुई बैठक, आवश्यक दवाओं की कीमतों पर निगरानी रखने के निर्देश। कोरोना को लेकर डीएम ने की ऑनलाइन बैठक, दिए कई निर्देश। चयनित पाराविधिक स्वयंसेवकों की सूची हुई जारी। जनप्रतिनिधियों के साथ डीएम ने की वर्चुअल मीटिंग। चयनित पैनल अधिवक्ताओं की सूची की गई जारी। और मिलिए मिथिला की बेटी श्रद्धा से, जिसने आपदा को बनाया अवसर। चयनित पैनल अधिवक्ताओं की सूची हुई जारी। चयनित पैनल अधिवक्ताओं की सूची हुई जारी। व्यवहार न्यायालय दरभंगा द्वारा अपने वेबसाइट पर चयनित पैनल अधिवक्ताओं की सूची अपलोड कर जारी कर दी गई है। चयन प्रक्रिया में शामिल होने वाले पैनल अधिवक्ता अपने चयन होने की जानकारी व्यवहार न्यायालय दरभंगा के वेबसाइट से ले सकते हैं। समिति द्वारा सूचीबद्ध 50 अधिवक्ताओं को निम्न प्रकार से सूचीबद्ध किया गया है। किशोर न्याय परिषद JJB दरभंगा के लिए 15 अधिवक्ताओं, औरतों को घरेलू हिंसा से सुरक्षा हेतु 10 अधिवक्ताओं तथा दीवानी आपराधिक एवं राजस्व के लिए 25 अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध किया गया है तथा 4 अधिवक्ताओं को रिटेनर लॉयर के रूप में 1 साल के लिए अनुशंसित किया गया है। इन सभी के नाम उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। और मिलिए मिथिला की बेटी श्रद्धा से, जिसने आपदा को बनाया अवसर। मास्क पर कर रही मधुबनी पेंटिंग, लोगों को दे रही उपहार। कोरोना एक आपदा है, आपदा भी ऐसी वैसी नहीं, वैश्विक महामारी है। देश भर ही नहीं, विश्व में भी लोग आक्रांत हैं, लेकिन इस आपदा में भी अवसर का तलाश किया है श्रद्धा ने। श्रद्धा छोटी सी बच्ची, 12 साल की यह लड़की दरभंगा के उडबाइन मॉडर्न हाई स्कूल में पढ़ती है, कक्षा 8 की छात्रा है। मधुबनी पेंटिंग करती है, मधुबनी पेंटिंग से मास्क बनाती है, मास्क बनाकर बहुतों को गिफ्ट किया है। श्रद्धा कहती हैं कि इसकी प्रेरणा उन्हें किलकारी बाल भवन दरभंगा में सीखने से मिली है। बचपन से ही यह उनका शौक रहा है, कई जगहों पर वॉल पेंटिंग भी की है। 12 साल की यह बच्ची दे रही है बड़ा संदेश। ग्राम खराजपुर बहादुरपुर लहेरिया सराय के रहने वाले और पेशे से पत्रकार भवन मिश्रा की पुत्री श्रद्धा बड़े सपने देखती है, बड़े सपनों को पूरा करने का मादा भी रखती है। आइए देखते हैं क्या कहती है श्रद्धा अपने इस हुनर के बारे में। उसके काम को भी देखेंगे। बहुत बारीकी से मधुबनी पेंटिंग कर मास्क पर उसे सजाकर लोगों तक पहुंचाना और इस तरह लोकल को वोकल करने का उसका काम काबिले तारीफ है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये मास्क बनाते हैं, और बहुत सारा मास्क बना के बहुत लोगों को दिए हैं। जीविका को भी देते हैं और अगल बगल के भी लोग जो मांगते हैं उनको भी देते हैं। दरभंगा बिहार भवन किलकारी से सीखे हैं मिथिला पेंटिंग, मतलब 1-2 साल हो गया किलकारी में सीखते सीखते। दरभंगा में काफ़ी जगह पर बना है, और यहाँ पर कमिश्नरी की दीवार पर, कलेक्ट्रेट की दीवार पर बना है, वो भी हम वही लोग बनाए थे। एक मास्क बनाने में 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा। ये तब तक का समाचार, बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में कहर बनकर टूट रहा कोरोना, दर्जन भर से अधिक की एक दिन में गई जान, शव जलाने के लिए लग रही वेटिंग। बिहार में बेकाबू हुआ कोरोना, एक दिन में मिले 12,795 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 87,154 पर पहुंचा। दरभंगा ही नहीं मधुबनी और समस्तीपुर में भी कोरोना का कोहराम, टूट रहे रिकॉर्ड। कोविड 19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेकर हुई बैठक, आवश्यक दवाओं की कीमतों पर निगरानी रखने के निर्देश। कोरोना को लेकर डीएम ने की ऑनलाइन बैठक, दिए कई निर्देश। चयनित पाराविधिक स्वयंसेवकों की सूची हुई जारी। जनप्रतिनिधियों के साथ डीएम ने की वर्चुअल मीटिंग। चयनित पैनल अधिवक्ताओं की सूची की गई जारी।
और मिलिए मिथिला की बेटी श्रद्धा से, जिसने आपदा को बनाया अवसर। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।